तो रीना मस्टर में आपको स्वागत है। आज इसे बाजू का बिगुन बनाकर बताने जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे बाजू कटा हुआ है। अब इसमें अब हम डिजाइन जो अंडा वाला होता है वो कटिंग करके पका के बताने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको पता चले। चले आए देखिए, अब ये बाजू तो कटा हुआ है, बिल्कुल ऐसे बाजू कटा हुआ है। देखिए बिल्कुल ऐसे 10 इंची का है, हाफ इंच इधर तो सिलाई में मार्जिन चल जाएगा, हाफ इंच इधर का मार्जिन चल जाएगा। अब इसके बीच में हम डिजाइन बनाएंगे। बिल्कुल हम देखिए यहाँ से मार्क का ले लेते हैं। यहाँ पर जो जो ऐसे सिलाई हम मारेंगे तो हाफ इंच छोड़ देते हैं पट्टी जो रहेगा, उसके बाद में हम यहाँ से मार्क लगाते हैं। बिल्कुल यहाँ हम 3-3 इंची पर मार्क हल्का हल्का से लगा लेते हैं, उसको फिर कट लगाएंगे। बराबर से 3-3 इंची पर ये हो गया है। अब इसको हम यहाँ से गोल कर लेते हैं हल्का हल्का। अब देखिए हम ये तीनों का हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। अजास्ते भी नहीं निकालेंगे, हाफ इंची कपड़ा निकालेंगे, फिर हम जब पट्टी उल्टेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ये देखिए तीनों ज्यादा नहीं निकला, हाफ इंच भी एक आध सूत तक कम ही है, यानी कि 1.25 इंची कपड़ा निकला है। अब ये दोनों बाजू है सेम इसमें। अब इसको हमने ऐसे पट्टी रख के इसको पलट देंगे तीनों का। इसमें हम बकरम नहीं देंगे, हम सिंपल एकदम बता रहे हैं। जिनके पास जो नए लोग देखने वाला है उनको पास में बकरम नहीं रहेगा तो डिजाइन ऐसे पलटने में दिक्कत होगा, तो हम कपड़ा से ही पलट के बताने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए एक चौड़ा कपड़ा ये ले लिए हैं। अब इस पर ही हम इसको सेम हम बाजू को रख देंगे। अच्छा ये याद रखना है कि खल्ली जो मार्का है हम ऊपर रखें, ये पट्टी हम मेरा क्या सीधा है। कपड़ा को हम बीच में इसे रख देते हैं। अब इसमें हम एक पिन यहाँ लगा देते हैं कि ताकि मेरा अंदर के कपड़ा घसके नहीं। एक पिन हम ऊपर लगा देते हैं, मेरा अंदर वाला जो कपड़ा है दोनों अटैच हो जाएगा। अब इसको हम सिलाई लगाते हैं, सेम हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। जब भी सिलाई लगाएंगे एक चाप के ऊपर लगाएंगे। अब इसको हम गोल से हम एक ही चाप कपड़ा रख के और हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। जो एक चाप ही है इसको हम मार्जिन में एक कपड़ा रखेंगे। इसको गोल हम घुमाते जाएंगे अपना हाथ से तीन। अब यहाँ पर से हम सुइया को नीचे रखेंगे, फिर हम इधर घुमा लेंगे। फिर यहाँ पर हम सुइया को नीचे रख लेंगे, इतना काट लेंगे। क्या यहाँ पर देखो पूरा सिलाई आ गया है। इसको फिर हम घुमा के दो टाक और इधर लगा लेते हैं। अब देखिए मेरा ये सिलाई दोनों तरफ का है, बराबर चल गया। अब बीच में देखिए मेरा सिलाई दोनों अलग है, एक एक सूता के फर्क है। हम यहाँ से कट लगाएंगे अभी। अब इसको हम कट लगा देते हैं। कट लग गया, उसको हम ऐसे ऐसे कट लगा देते हैं ताकि मेरा अच्छा से पैरते। इजी तरीका बता रहे हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमने एक कट लगा लिया है, एक कपड़ा सारे को हम पट्टी में पलट देते हैं। कपड़ा को पलट के हम जो वहां पर एक गोल है उसको हम निकालेंगे।
और इसको हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं। हम इसको एकदम एक सूता पर ऐसे हम इसको सिलाई चलाएंगे, जहाँ कोना है उसको हम अच्छा से हम और कोना निकाल के ऐसे रख लेंगे। अब कोना पर हम सुइया नीचे रख के फिर इसको इधर घुमाएंगे, फिर देख लेंगे पर। इतना ध्यान रखें कि अंदर के कपड़ा अंदर ही रहे। अब मेरा ये सिलाई पूरा लग चुका है। सिलाई लग गया, अब इस पर हमने ऐसे बटन लगाएंगे। इसको भी हम ये पट्टी का जो कपड़ा है इधर इधर तो ज्यादा है, इधर कपड़ा हम थोड़ा सा ऐसे काट के निकाल देते हैं। इजी तरीका बताए हैं क्योंकि कपड़ा कितना सुंदर से इसे पलटा लिया है एकदम। अब बकरम किसी के पास नहीं रहता फिर दिक्कत हो जाता है। अब इसको हम पहले सिलाई मार देते हैं। सिलाई मारेंगे तो बस इसको खाली अटैच थोड़ा थोड़ा कर देंगे। देखिए यहाँ से अटैच हो गया दोनों। इसको हम पतला से यहाँ पर आगे का मोड़ लेते हैं, आप नीचे से भी कम मोड़ लेते हैं। देखिए इसमें हमने इसे मोती भी यहाँ बैठाएंगे, इस पर फिर अभी चून भी बनाकर इसे बैठाकर बताएंगे। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे हम यहाँ पर से बैठेगा एक दो तीन चार मोती हमें इसी ढंग में बैठा देंगे। देखिए दोस्तों हमने ये तो मोती बैठा दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर महीन महीन चून बैठाएंगे। बिल्कुल ये बाजू को हम ऐसे किनारे रखते हैं। एक कपड़ा है बिल्कुल, एक कपड़ा कैसे ऐसे लंबे है दोनों बाजू में लगेगा। बिल्कुल ये कपड़ा भी ऐसे कई इंची था वो हम बता दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे 5.5 इंची है, इसको हाफ ऐसे काट देते हैं। तो मोड़ लेंगे हाफ हाफ हो जाएगा, 2.5 इंच का हो जाएगा ये। अलग अलग कर लेंगे, इसको हम ऐसे डबल करके इसको मोड़ लेंगे। अब इसको सिलाई हम चला लेते हैं और फिर इसमें चून बैठाएंगे। हैं इसको हम चून बैठा देते हैं। चून बैठाएंगे तो एकदम महीन महीन छोटा छोटा चून बैठाएंगे।
चुन बिल्कुल एकदम बैठ गया, कितना सुंदर बैठा है बराबर से। अब इसको हम बाजू तरफ भी बैठा देंगे, बाजू तक बिल्कुल बैठाएंगे तो बिल्कुल ये सिलाई अंदर रहेगा, फिर हम चुन खाली दिखेगा। इसको हम लप कर सिलाई मार देंगे, हम डबल सिलाई फिट करा रहे हैं ऊपर से। मेरा ये दोनों सिलाई लग चुका है, अभी बाजू भी बन चुका है, खूबसूरती देखिए लग रहा है। अब बिल्कुल इजी तरीका बनाए हैं, बिल्कुल पसंद आया है तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर आके जरूर देखिएगा। उस पर ऐसे और बाजू का डिजाइन है, गला का डिजाइन है और ऐसे सूट वूट का भी डिजाइन है, बिल्कुल ऐसे देखिएगा और ऐसे अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।